क्लॉथ्स इस लेसन के क्वेश्चन और आंसर तो चलिए समझेंगे और कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखिए वीडियो स्किप मत कीजिए पूरी वीडियो देखिए प्लीज़ चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स करेक्टली आपको जो कॉलम्स दिए हुए हैं उसको मैच करना है फर्स्ट कॉलम में देखिए यहाँ पर है शीप कॉटन जूट सेकेंड में है कॉटन यान फाइबर्स वूल थर्ड में है सैक स्वेटर क्लॉथ तो उसका आंसर है देखिए शीप वूल हमें कहाँ से मिलता है शीप से और उस वूल से हम क्या बनाते हैं वी मेक स्वेटर स्वेटर बनाते हैं, कॉटन यान कहाँ से मिलता है हमें कॉटन से और उससे हम क्या बनाते हैं हम क्लॉथ्स बनाते हैं जो कॉटन के क्लॉथ्स आप पहनते हो कॉटन के जो कपड़े आप पहनते हो वो कॉटन यान से बनता है और जो हमें कॉटन से मिलता है जो जूट फाइबर हमें जूट से मिलता है और जूट से हम क्या बनाते हैं जूट के सैग बनाते हैं थैले बनाते हैं जिसमें आप अपने वीट और राइस लेकर आते हो वो जूट के थैलों में बने हुए थैलों में आता है ठीक है सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैन बी यूज़ टू वॉश क्लॉथ्स अब यहाँ पर देखिए पिक्चर्स जो है आपकी बुक में दी हुई है सोप डिटर्जेंट पाउडर एश और परफ्यूम इसमें से कौन सी जो चीज़ें हैं क्लॉथ्स को धोने के लिए यूज़ होती है तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट पाउडर क्वेश्चन नंबर सी इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन ट्रेड्स ओल्ड क्लॉथ फॉर न्यू यूटेंसिल्स अभी देखिए लेसन में आपने पढ़ा होगा कि कौन से लोग ओल्ड क्लॉथ्स के बदले आपको यूटेंसिल्स देते हैं बर्तन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं बोहारिन बोहारिन द आंसर इज बोहारिन डी है अर्जुन बॉडी इज इचिंग टुडे वाट शुड ही डू फाइंड द राइट ग्रुप अर्जुन की बॉडी पर ईचिंग हो रही है उसे क्या करना चाहिए ए हैव अ बाथ पुट ऑन परफ्यूम चेंजिस क्लॉथ्स बी हैव अ बाथ चेंजिस क्लॉथ अप्लाई एश सी हैव है पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स टेक अ मेडिकल ट्रीटमेंट तो आंसर इसका है सी उसको बात करना चाहिए मतलब नहाना चाहिए ही शुड है बात देन पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स साफ कपड़े पहनना चाहिए टेक मेडिकल ट्रीटमेंट उसके बाद उसको मेडिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए ठीक है क्वेश्चन नंबर ई इज वॉट चेंजेस इज क्लॉथिंग डू वी मेक अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट राइट फोर सेंटेंसेस अभी जब क्लाइमेट चेंज होता है तो हमारे जो क्लॉथ्स है उसमें भी चेंजेस करते हैं हम लोग है ना तो आपको फाइव फोर सेंटेंसेस लिखना है जैसे कि देखिए सर्दी के दिनों में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं स्वेटर वगैरह पहनते हैं उसी तरह गर्मी के मौसम में हम लोग जो है पतले कपड़े पहनते कॉटन के मोटे कपड़े नहीं पहनते बारिश के मौसम में हम लोग रेनी सीजन में हम लोग रेनकोट वगैरह यूज़ करते हैं सो वट वी राइट यर इन समर वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स

नेम अनदर एनिमल विच इज थ्रेड फॉर मेकिंग फाइन क्लॉथ्स हमें उल्स जो है किससे मिलता है शीप से ऐसे आपको दूसरे एनिमल्स के नाम बोलना है जिससे हमें थ्रेड मिलता है वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वार्म हमें सिल्क किससे मिलता है सिल्क वाम से है न तो डे स्टूडेंट्स ये थे क्वेश्चन और उसके आंसर्स मैंने आपको बताया अच्छे से समझाया उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक like कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में अ लुक इनसाइड द बॉडी और देखेंगे उसके क्वेश्चन और आंसर तब तक तब, तब, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप वॉचिंग बाय बाय